हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अगर आप किसी को आउटगोइंग कॉल करते हो या आउटगोइंग कॉल आती है, क्या कंपनी वाले के पास उस चीज़ का रिकॉर्ड, मतलब जो भी आप जिस कंपनी की जिस टेलीकॉम कंपनी की आप सिम चला रहे हो, जिस टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी की सिम चला रहे हो, क्या उस कंपनी के पास ये डेटा, आपने जो कॉल की, आपका कॉल स्टेटमेंट का डेटा कंपनी सेव करके रखती है? और दोस्तों, आप जो कॉल पर बात करते हो, क्या उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कंपनी वालों के पास रहती है? एंड दोस्तों, ये भी जानेंगे कि भाई आपका जो कॉल स्टेटमेंट का डेटा आप कंपनी से प्राप्त कर सकते हो या नहीं कर सकते। हम इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डीपली जानने वाले। बेसिकली दोस्तों, ये सब आपको पता होगा, बट दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो, पहले का भाग नहीं देखा, तो उसको आप जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है कि कॉल स्टिक क्या होती है, कॉल स्टिक कितने टाइप की होती है। अगर आपको कंप्लीटली इस विषय पे, इस मुद्दे पे जानना है, तो वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को डिस्कशन में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल हिस्ट्री और आउटगोइंग कॉल हिस्ट्री के जो डेटा को आप अपनी कंपनी के पास सेव करके रखती है, आपके मतलब उनके पास सर्वर पर सेव होता है या नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सेव होता है। और दोस्तों, क्यों इस डेटा को वो अपने पास सेव करके रखती है, चलो ये भी जान लेते हैं। बेसिकली दोस्तों देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी दुकानदार, उनको दोस्तों अपने कस्टमर का डेटा अपने पास सेव करके रखना वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट, व्हाई, ठीक है, आपको भी जानना जरूरी है ना भाई, क्यों 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 सेव करके रख रही हो हमारी? भाई हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से, हमने अननोन नंबर से बात किया, किसी से कॉल किया, आपके पास जो कॉल आई, आप वो डेटा क्यों सेव कर रख रहे हो, ठीक है ना? ये भी आपके मन में डाउट चल रहा है। सो दोस्तों, मैं बता दूं, जब टेलीकॉम कंपनी का निर्माण हुआ, किसी भी मतलब जो जब सिम का निर्माण हुआ, सिम के बाद टेलीकॉम कंपनी का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ कि भाई देखो, कंपनी खोलना, आप मान के चलो भाई, देखो आजकल आज की जनरेशन में या किसी भी जनरेशन पहले, आज भी जब भी अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हो, तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारे भारत सरकार से। मतलब इंडिया में आप कंपनी खोल रहे हो, तो इंडिया की भारत सरकार से। अगर आप किसी भी मतलब हर देश में, हर कंट्री में ऐसा रूल है गवर्नमेंट का कि भाई देखो, आप कोई भी कंपनी खोल रहे हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल आप कोई का किसी प्रकार का आपका बिजनेस है, तो सरकार ने जो बिजनेस कैटेगरी बेस हर कंपनी के लिए रूल एंड रेगुलेशन चीज़ें बना के रखी हैं। अब मान चलो टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम कंपनी है तो भाई देखो, टेलीकॉम कंपनी है तो क्या होगा कि भाई सरकार को पता है कि भाई टेलीकॉम कंपनी है तो मतलब जो उनका कंज्यूमर कस्टमर होगा भाई, वो एक दूसरे को कॉल करेगा। कभी ना कभी ऐसे समय आएगा कि भाई कुछ ना कुछ लोचा हो जाएगा, उसकी कंप्लेंट आएगी। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को वहाँ पे सामने आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? सो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने पहला रूल तो ये बना दिया, भैया देखो आपके कस्टमर के बीच जो भी डिस्कशन हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें का मतलब आपको रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा। तो कंपनी बोला, हाँ सर, ये ऑफकोर्स हम तो रखेंगे ना ये चीज़ें, क्यों, ये तो बेसिक है ना, हम तो रखेंगे ना, क्योंकि ये हमारे लिए भी जरूरी है, कंपनी के लिए भी जरूरी है। कंपनी के लिए क्यों जरूरी है, अब वो भी जान लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल से समझाऊँ दोस्तों, का किसी ना किसी बैंक में बैंक अकाउंट तो आपका जरूर से जरूर होगा, ठीक है? आपके पास उस बैंक अकाउंट का ATM पासवर्ड सब कुछ होगा, ठीक है? अब दोस्तों, आपने जिस दिन से अकाउंट खुलवाया है ना, आपने एक रुपया भी आपका अकाउंट में डाला या एक रुपया भी आपके अकाउंट से कटा, ठीक है, एक रुपया भी कटा आपके अकाउंट से, एक रुपये भी आपके अकाउंट में आया, तो उसका डेटा आपके बैंक के सर्वर पर सेव हो जाता है। वो क्यों सेव हो जाता है कि भाई देखो, कल को आप बैंक में जाओ और बोलो, अरे हाँ सर, हमारे अकाउंट से 200 रुपये कट गए, 100 रुपये कट रहा है, हर महीने 500 रुपये कट रहा है, क्यों कट रहा है बताओ? तो बैंक वालों को जवाब देना पड़ेगा ना भाई कि भाई क्यों कट रहे हैं बताओ। और वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं उनका भी यही फंडा मेरे भाई, तो टेलीकॉम सेक्टर का भी यही फंडा। चलो हम बैंक का थोड़ा एग्जांपल उसको पूरा कर लेने, तो मजे नहीं आएगा, मेरे अंदर घूमते रहेगा वो। आपके अकाउंट का डेटा, एक एक का लेन देन का ट्रांजेक्शन, जो भी स्टेटमेंट है वो बैंक ने सेव कर लिया, ठीक है भाई? अब कभी आप जाओगे एंट्री करवाने या कभी आप स्टेटमेंट निकलाओगे बैंक से, तो भाई बैंक आपको वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर, देख लो सर ये पैसा आपका इतने तारीख को कटा था और ये इस काम के लिए कटा था, ये सब मतलब वो चीज़ें सेव करके अपने सर्वर पे रखती है, तो आपको वो कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? अब मान के चलो भाई, कभी अगर कस्टमर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे, सर ये बैंक ने मेरा पैसा काट लिया और इसने इतनी तारीख को पैसा काटा था मेरा,
पता नहीं मेरे अकाउंट में इतने रुपये थे, इतने रुपये बचे। तो भाई देखो, बैंक वालों को जब 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 कानून या गवर्नमेंट जब बैंक से पूछने जाएगी कि भैया आपने इसका आपके कस्टमर का पैसे काट लिए जिन्होंने कंप्लेंट करी है, तो बैंक वो चीज़ों को दिखाएगी ना, सर देखो ये देखो ये देखो इस तारीख को हमने इनका 73 रुपये काटा, ये ATM चार्ज है, ये इसने SMS चार्ज है, ये इसने बीमा किस्त लिया था उसका चार्ज है, ये इसने कोई मोबाइल फाइनेंस किया था उसकी किस्त कटी है सर बजाज फाइनेंस से। मतलब ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब ये तो उनको इम्पोर्टेंट है ही, बट ये चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए या जिस कस्टमर ने उन पर ये क्लेम किया है या फिर जो पूछ रहा है कस्टमर, तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उनको उनके सर्वर पर डेटा रखना बहुत ज़रूरी। और दोस्तों इसी तरह से टेलीकॉम कंपनी का भी फंडा है, आपकी जो आप जिस कंपनी की सिम चला रहे हो ना उनका भी यही फंडा है कि वो आपके इनकमिंग आउटगोइंग डेटा को अपने सर्वर पर सेव करके रखती है। क्योंकि दोस्तों आप भी आपकी कंपनी से फ़ोन करके पूछ सक प्रॉब्लम आती है बेसिकली, क्यों जैसे कि मान के आपके अकाउंट में अभी तो क्या सब अनलिमिटेड करवाते हैं, अनलिमिटेड रिचार्ज करवाते हैं। पहले क्या होता था कि भाई किसी कोई 100 रुपये वाला रिचार्ज करवाया था या 10 रुपये का रिचार्ज वाउचर करवाया था, 10 रुपये का बैलेंस डलवाया था, उसमें से भाई 10 रुपये का बैलेंस में 7 रुपये मिलते हैं, सर इसमें से मेरे 2 रुपये बचे, बाकी पैसे कहाँ गए सर, कैसे कट गए, या मेरे अकाउंट में या फिर मेरे सिम में, सर मेरी सिम में 10 रुपये था कल तक तो आज ख़त्म ही हो गए। पहले क्या होता था कि भाई अभी तो देखो अनलिमिटेड फंडा चल रहा है इसलिए ऐसा सब इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बट पहले क्या होता था कि भैया मिस कॉल एलर्ट सर्वर रिंगटोन वाली सर्विस चालू हो जाती थी, ज्योतिषी वाली सर्विस हो जाती थी, 3-3 रुपये कटते थे, है ना। पहले आपको जो हेलो टोन रहती थी उसके भी आपको चार्ज देने पड़ते थे, आजकल तो हर कंपनी में फ्री हो गया है टेलीकॉम, हर जितनी जो भी आप कंपनी की सिम चला रहे हो उसमें आपको फ्री आपको गाने बजने की सर्विस मिल रही है, हेलो टून की सर्विस फ्री मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैसे लगते थे, इस कंडीशन में भी कंपनी आपका डेटा कस्टमर के डेटा को सेव करके रखती थी कि भाई कब कितने रुपए कटे इनके। तो दोस्तों कंपनी इसीलिए आपके इनकमिंग डेटा और आउटगोइंग डेटा दोनों को अपने सर्वर पर अपने क्लाउड सर्वर पर सेव करके रखती है। तो दोस्तों सर्वर क्या होता है, सर्वर का छोटा सा समझ लो, सर्वर डाउन सर्वर हैंग ये सब आपने सुना होगा, बट सर्वर क्या काम का आता है। तो दोस्तों सर्वर एक तरह का ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं जिस पर आपकी जो आपके कॉल स्टेटमेंट का जो डेटा है उस पर सेव होता है, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना चल रहा है, लिख लिख के तो रखेंगे आपने इतने बजे किसी कॉल करी थी, आपने इतने बजे किसी को कॉल करी थी, तो ये सभी लिखेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो सर्वर क्या होता है कि सर्वर एक तरह का बताया ना कि एक तरह का एक ऑनलाइन स्टोरेज बोल सकते हैं, मतलब कि जो आपकी टेलीकॉम कंपनी है उसका जो जो भी कुछ डेटा है, मतलब जो भी कुछ हेलो टोन सॉन्ग के गाने आपकी फ़ोटो आपके जो भी आपने जो सिम उठाई थी तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट की फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, ये सब डेटा कंपनी उनके सर्वर पर, मतलब सर्वर वही बताया उस सर्वर पर ऑनलाइन सेव करके रखती है। उस सर्वर का डेटा आपको दिखाया नहीं जाता, उसके लिए कंपनी उस डेटा को देख सकती है। परंतु दोस्तों वो क्यों सेव करके रखती है, भाई रीजन वही जो आपको बताया कि भाई आप कभी आपका आपने किसी दोस्त से बात करी और आपका उसको आपने कॉल किया और आपका बैलेंस 10 रुपये था जिसमें से आपने 1 मिनट बात करी और 10 रुपये कट गया, एक ही मिनट में 10 रुपये कट गया। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप कस्टमर केयर 198 पे कॉल करोगे, हाँ सर नमस्कार मेरी सिम में 3 रुपये था और मेरा इतना बैलेंस कट गया, ठीक है। उधर से कस्टमर केयर आपसे बोलेगा सर आपने इस नंबर पर कॉल किया था और आपका 73 रुपया इस कॉल का कटा है। दोस्तों इस कंडीशन में कंपनी को आपके आउटगोइंग डेटा का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों हम इनकमिंग कॉल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि इनकमिंग कॉल हिस्ट्री का डेटा कंपनी सेफ करके रखती है या नहीं रखती है। तो दोस्तों देखिए इनकमिंग कॉल हिस्ट्री एक सीक्रेट कॉल हिस्ट्री है, आपकी टेलीकॉम कंपनी इस विषय में आपसे कोई भी बात नहीं करेगी। ये देखो इनकमिंग कॉल हिस्ट्री है, वो मैटर किसका है, दूसरी कंपनी का। तो इनकमिंग कॉल हिस्ट्री का डेटा हालांकि कंपनी सेफ करके रखती है, बट उसकी टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन के अंडर कंपनी काम करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंडर काम करती है और इनकमिंग कॉल हिस्ट्री का डेटा सेव कर रखती है, ये सत्य है, बट टर्म एंड कंडीशन बिहाफ पे। एंड इनकमिंग कॉल हिस्ट्री की जानकारी आप कंपनी से नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते भाई, इनकमिंग कॉल हिस्ट्री का मैटर मतलब वो मैटर ही दूसरा है, आउटगोइंग कॉल हिस्ट्री का आपको बता देगी और कंपनी ये आपको जवाब देने के लिए रखती है कि भाई आपका बैलेंस कम हुआ, ये सब ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी ना, इन सब चीज़ों के लिए कंपनी आपके आउटगोइंग डेटा को सेव करके रखती है। मिस कॉल हिस्ट्री भी कंपनी के क्लाउड पे कंपनी के सर्वर पर सेव हो जाती है, मैसेज हिस्ट्री भी सेव करके रखना पड़ता है, बट आपने जो मैसेज लिखा है जिसको आपने पहुँचा है उसमें जो मैसेज में टैक्स लिखा वो सेव करके रखती है, बट मैसेज सेंडिंग नंबर
नंबर सेव कर रखती है कि भाई किस नंबर पर आपने मैसेज सेंड किया, जो आपके पास आया है उसका डेटा भी रहता है, बट कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करती है। डेटा यूजेस, डेटा यूजेस मतलब आपने जो इंटरनेट चलाया है उसमें जो डेटा MB खर्च हुई है, कितने टाइम कितना खर्च हुआ, वो सब भी कंपनी के सर्वर पर सेव होता है। वो क्यों? क्योंकि आपके पास 1 GB डेटा है, अगर वो 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाए तो आप कस्टमर को फ़ोन कर दोगे, सर मेरा डेटा 1 GB था, आपकी सिम चला रहा हूँ, पूरा डेटा उड़ गया। तो कंपनी को ये जवाब देना पड़ेगा, सर आपने इतने इतने बजे इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आपने मूवी डाउनलोड करी थी अलानी फलानी नाम की, उसमें आपका डेटा खर्च हो गया है, इतनी GB खर्च हुआ है और इतना बचा। तो इस कंडीशन में भी कंपनी को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपका इतना डेटा, मतलब उस कंडीशन में भी आपका डेटा की रिकॉर्ड भी, मतलब आपके इंटरनेट बैलेंस की रिकॉर्ड भी कंपनी अपने सर्वर पर सेव करके रखती है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी आपकी लोकेशन की डिटेल भी रखती है, लोकेशन की डिटेल लाइक आपके गांव शहर से दूसरे गांव शहर या जिला डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री इंडिया कंट्री जो भी कुछ कहीं भी गए हो, तो ये सब भी कंपनी नोटिस करती है और उनको अपने सर्वर पर सेव कर लेती है। सेव क्यों कर लेती है कि भाई देखो मान के चलो, किस कंडीशन में सेव करती है, क्यों करती है, चलो आपके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो वहाँ के जब नेटवर्क से कनेक्ट हो तो वहाँ के जब टावर से कनेक्ट हो तो कंपनी को इस चीज़ का पता हो जाता है कि भाई ये टावर, मतलब ये बंदा इस टावर से कनेक्ट है, इस टावर से कनेक्ट हुआ, तो उस बिहाफ पे कंपनी को ये मालूम चल जाता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, कौन से हमारे मतलब कंपनी के कौन से टावर से आप कनेक्ट हो रहे हो और किस लोकेशन के टावर से कनेक्ट हो रहा, तो वो सब चीज़ें कंपनी अपने सर्वर पर क्लाउड पर सेव करके रखती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका नंबर कब कितने समय बंद था, कितनी तारीख को बंद था, कितने तारीख को आपका नंबर इनएक्टिव हुआ था, या कितने बजे कितने बज के कितने मिनट पर आपका नंबर कितनी तारीख को एक्टिवेट हुआ था, मान चलो आपका मॉल 15 दिन से बंद है और 15 दिन बाद आपका नंबर एकदम से सडनली किसी दूसरे प्लेस पर ऑन हुआ या किसी अन्य प्लेस पर या कहीं भी, मतलब वो केस जब कोई बड़ा केस हो जाता है ना उस कंडीशन में ये चीज़ें बहुत काम की रहती है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है। मान चलो आपका दोस्त किडनैप हुआ, उसका मोबाइल 5 दिन बाद किसी दूसरे प्लेस पर ऑन हुआ, बट ये सब चीज़ें जानकारी आपको कंपनी नहीं बताई क्योंकि कंपनी की टर्म एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज है जिसके अंडर वो काम करती हैं, एंड कस्टमर को जिन चीज़ों की नीडेड है, मतलब जो कस्टमर को प्रोवाइड करना जरूरी, मतलब बताना जरूरी है, उन चीज़ों को ही कंपनी आपके साथ शेयर करती है और शेयर करेगी भी तो उसकी भी एक गवर्नमेंट से पूरा मतलब बड़ा केस हो जाता है। जब बड़ी चीज़ें जब बहुत काम की, मतलब बहुत ही मतलब मान जो केस हो गया, जज ने बोल दिया कि कंपनी से ये चीज़ें हमको चाहिए, तो कंपनी के पास वो नोटिस गया भाई ये कंपनी यहाँ के स्टेट में इस यहाँ के ये केस चल रहा है अलाना फलाना और इस चीज़ को आपके लोकेशन पूछ रही, नंबर कब चालू हुआ था, ये सब चीज़ें मतलब कोर्ट के अंडर आती है, वो चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आती है, तो वो चीज़ें ना शेयर करूँ तो अच्छी बात है क्योंकि फिर कभी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो साले लपड़ा हो जाएगा भाई, सॉरी क्रिमिनल भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अब दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी वाले, आप किसी से बात करते हो और बात करते हो तो जो भी आपने बात करी है उसकी जो रिकॉर्डिंग रहती है क्या कंपनी उसको भी अपने सर्वर पर सेव करके रखती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट नियमों के अनुसार या रूल्स के अनुसार या पॉलिसी के अनुसार किसी भी इंसान को ये परमिशन नहीं है कि किसी की कॉल हिस्ट्री उसकी विदाउट परमिशन के या उसका कुछ पर्सनल डेटा या पर्सनल सीक्रेट बात कुछ भी उसके बगैर परमिशन के आप सुन सको। तो कंपनी को ये परमिशन बिल्कुल नहीं है कि कंपनी वाले आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करें या आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुने, ये कंपनी को परमिशन नहीं है। आप किसी से मैसेजिंग पर चैट कर रहे हो, SMS कर रहे हो, SMS में आप क्या टेक्स्ट कर रहे हो, उसकी भी कंपनी को परमिशन नहीं है कि आपके मैसेज को देख सके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अगर आप कॉल सॉल्यूशन से रिलेटेड, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो, इसमें आपकी रुचि है, तो इस चैनल पे आपको वो सब ज्ञान भर भर के मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं, फिर समाप्त मिलते हैं नेक्स्ट किसी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।